ऊपर से। ओ प्यारे, कितने प्यारे हो यार। ओ भाई, क्या चल रहा है भाई? भाई बाहर नहीं आना है क्या भाई? सुबह होगी यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप तो यही सोच रहे होंगे कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। दोस्तों, हमारा ना एक स्कूल का मसला था, मेरे स्कूल का, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। आज से तो इंशाल्लाह डेली वीडियो आएंगी, डेली मतलब। अरे भाई कालिया, ऐसा क्यों कर रहा है यार? दोस्तों, कालिया ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है बाहर जाने के लिए, कि तो उसको बाहर ही बनने की आदत हो गई है अब। और है ना दोस्तों, मैं आपको अपने पैट दिखा लेता हूँ एक बार, मुर्गा वगैरह, जेटली, और है तो अपने वो लोबर्ट्स, कबूतर नए वाले, पुराने वाले कबूतर, मैं सब बता देता हूँ आपको एक एक से। ये देखो, ये है जेटली। ओ भाई, क्या चल रहा है भाई? जेटली, जेटली भाई, क्या चल रहा है? और ये प्यारा सा रंगू, छोटा मुर्गा। ओ रंगू, रंगू भाई, रंगू भाई तो अभी परेशान है, क्या मालूम क्या करते। दोस्तों, मैं ना आपको अभी, हमने नए कबूतर लेकर आ गए हैं, तो इसके नीचे अंदर बहुत ज़्यादा प्यारे हैं यार। ये देखो दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो इनको ना एक बीमारी लगी हुई थी, तो उस वजह से इनके आँखें आ गई थी, मतलब उनके आँखी में ना तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा फुंसी आ गई थी बड़ी सी। तो हमने उनको ड्रॉप वो डाल के, ड्रॉप वगैरह डाल के, दवा गोली डाल के उनके आँखी का सब क्लियर करा दिए। और ये देखो, ये एक ऊपर जोड़ा, बहुत प्यारा जोड़ा है ये भी माशाल्लाह। और तो ये इसके नीचे भी बैठे यार कुछ, ये इधर है, इधर है, ये देखो ये। ओ भाई इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ भाई, आ जाओ यार। दोस्तों वो ना, वो उधर है ना, खरगोश ने एक बड़ा सा बील कर दिया है, मतलब उसका गड्ढा कर दिया है, और उसमें जाकर बैठ रहा है, आ रहा है, बाहर आ रहा, जा रहा है। मुझे ना वो बील ऐसा सही नहीं लग रहा, कि तो उसमें दोस्तों चूहे भी हो सकते, मुंगूस भी हो सकता, और ये तो अपने खरगोश का है, तो हमें ना उसको इंशाल्लाह बंद कर देंगे वो बील को। तो है ना दोस्तों, मैं ना अभी आपको खरगोश बता लेता हूँ, खरगोश क्या हाल में है। खरगोश, अरे भाई खरगोश कहाँ हो? दोस्तों ये डब्बे में रहते हैं, देखो माशाल्लाह। ओ भाई, क्या चल रहा है भाई? भाई बाहर नहीं आना है क्या? भाई सुबह होगी यार। दोस्तों, मैंने ना उनको ये चारा डाला था कल, उन्होंने ये पूरा का पूरा घास खा लिया। अरे भाई ये आ गया है। ओ प्यारे, आ जा भाई यार, प्यारे बाहर भाग गया यार, अंदर भाग गया। दोस्तों, हमारे खरगोश ने अभी तक बच्चे नहीं दिए, क्या पता क्यों कब देंगे वो। हमने दुकान वाले को तो बोले थे, दुकान वालों ने हमको कि भाई 10 दिन में दे देंगे बच्चे, लेकिन वो तो अभी तक, उनको 2 से 2.5 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कुछ बच्चे दिए ही नहीं उन्होंने। ये देखो दोस्तों, वो खरगोश भाई, जाओ भाई बाहर जाओ भाई, शाबाश शाबाश, जाओ जाओ यार भाई, तुम भी निकल जाओ भाई। देखो दोस्तों, ये इनको मैंने एक दो दिन से ना, मैंने इनको बाहर निकाला था, तो अब वो रोज जा रहे। और ये देखो, ये दो नहीं जा रहे यार, इधर आओ भाई, प्यारा कबूतर है यार, देखो माशाल्लाह, ये तो पूरा का पूरा काला है। जा भाई तू भी बाहर। ओ भाई क्या उड़ता है यार, अरे ये तो खुद ही से आ गया। इधर 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 भाई, अरे यार इधर जाना है यार। दोस्तों इसकी तो काली दुम के पर है ना, थोड़े थोड़े वाइट है यार, ये देखो। अरे माशाल्लाह क्या उड़ रहा है भाई। मैंने ना कबूतरों को छोड़ दिया, और अब है ना उनको दाना डाल देता हूँ जल्दी से, कि तो भूखे है। और देखो उधर उन्होंने मट्टी खाना, वहाँ पर जो दाना था मट्टी में, वो खाना चालू कर दिए। मैं जल्दी से ये वाला दाना डाल देता हूँ। दोस्तों ये अभी है ना, उनको आदत नहीं है दाना वगैरह किधर डालते हैं किधर नहीं। और हमारे ना पुराने वाले जो कबूतर है ना, उनको मैं एक बार छोड़ के दिखा देता हूँ। अब देखो सीधा दोस्तों, पट्टा जो है ना, मतलब वो जो पुराना छोटा बच्चा था, तो वो देखो अब सीधा उड़ने लगेगा, थोड़ा बहुत खाएंगा और सीधा उड़ जाएगा। मैं छोड़ के बता देता हूँ, आ जाओ भाई, आओ आओ आओ। अरे भाई शाबाश। अरे छोटू तू नहीं आता है क्या? छोटू को दोस्तों, अभी छोटू ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और छोटू का भी उड़ना नहीं आता, और वो अभी है ना 1 से 1.5 महीने का है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, पूरा वाइट कलर। अरे भाई ऐसा क्या कर रहे हो, उड़ना चाहते हो क्या? दोस्तों ये जो मादी है ना, ये भी एक बार उड़ के चली गई थी, तो वो 1-2 दिन के बाद वापस आ गई थी, लेकिन है ना हमने क्या करे, उसके पर वापस से ना काट दिए, मतलब उसके पर निकाल दिए, अब वो उड़ ही नहीं रही और कहीं जा ही नहीं रही। दोस्तों जैसे ही मैंने कबूतरों को दाना डाला, वो बेचारे खाने लग गए, ये देखो पूरे के पूरे दाना चुनकर खा रहे हैं, कोई पानी पी रहा है, कोई दाना खा रहा है। और है ना दोस्तों, अब जेटली और रंगू को दिखा देता हूँ। अरे
अरे भाई यार, ये फिर से लड़ने के लिए कर रहे हैं यार, इनका क्या करना दोस्तों, आप बताओ कमेंट में। अरे भाई ये तो, इनको तो खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, इनको जल्दी से रख देता हूँ दोस्तों मैं। भाई उड़ना मत। अरे भाई आओ मत यार। दोस्तों मैंने ना इनको दाना पानी डाल दिया हूँ, और दोस्तों इनको ना हम पहले राला डालते थे, ये राला तो नहीं खा रहे, लेकिन अब इनको है ना घी भिगा कर डालना पड़ रहा है। ये देखो इनके घी इधर भिगे थे, मैंने उनको अभी डाल दिया हूँ और पानी भी रख दिया हूँ। दोस्तों हमारे लिए ना एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, अपने सब के लिए, क्यों तो दोस्तों हमने ना जब वीडियो नहीं बना रहे थे हम, तो बीच में हमने ना एक मुर्गी को अंडे पर बिठा दिए थे, तो उसको कुछ हमने 23 या 24 अंडे दिए थे, तो उसने माशाल्लाह से दोस्तों 10 बच्चे निकालिए। और मैं आपको बता देता हूँ कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और दोस्तों हमने ना उनको इसमें रखे दोस्तों, अभी तो मैं उनको खोलूँगा नहीं, क्यों तो ये कबूतरों को मारेगी। और ये देखो ऊपर से, ओ प्यारे, कितने प्यारे हो यार। दोस्तों इसमें ना एक पूरा का पूरा ऐसा गंजा मुर्गा नहीं आता क्या, वो वाला है। देखो मैं बता देता हूँ, वो देखो दोस्तों उधर से वो वाला, ए छोटे। दोस्तों इनको भी ना हम कबूतर कोंडे बाद इनको भी खोलेंगे, फिर इनको भी देखेंगे कि यहाँ पे ये पहली बार खुले कैसा चलते कैसा करते। दोस्तों सारे के सारे कबूतर पीछे चल रहे हैं, और मतलब दाना भी ना खा रहे, दाना चुन रहे हैं। और यार बच्चे वाली मुर्गी चिल्लाने लगी। और दोस्तों ये दो जो कबूतर है ना, ये प्यारे एकदम, तो ये दोस्तों कुछ खा ही नहीं रहे यार। उनको ना मैंने दवा वगैरह सब डाल दिया हूँ, फिर भी नहीं खा रहे, तो एक बार मैं उनको ना ड्रॉप डाल दूंगा थोड़ी देर से, अभी नहीं, क्योंकि तो मैंने अभी थोड़ी देर हो रही है डाल के, अभी उनको थोड़ा बहुत दाना खिलाते हैं, दाना वगैरह, फिर बाद में उनको ड्रॉप डालते हैं। दोस्तों मैं ना ये मुर्गी को खोल देता हूँ एक बार, बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही है। आजा बाहर आजा। अरे भाई शांत हो जा यार, आजा बाहर आजा यार, क्यों डर रही है इतना, आजा बाहर आजा। अरे भाई तुम क्यों अरे यार दोस्तों उनकी माँ आ जा रही है, उनके बच्चे नहीं आ रहे उसके। आ जाओ भाई, आ जाओ बाहर। नहीं आना क्या, बाहर घूमना नहीं है क्या? अरे भाई काटने को आ जाओ। दोस्तों मुर्गी जो है ना, तो उधर खरगोश को देख के बहुत ही ज़्यादा डर रही है यार, क्यों तो इसको है ना उसके बच्चों की हिफाजत करना है यार। और ये भी उसको चिल्लाने के लिए लग रहा है जेटली। अरे भाई यार मत चिल्लाओ यार, चुप बैठे हो यार, शांत हो जाओ। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डर गए यार ये। दोस्तों इनका ना थोड़ा थोड़ा चिल्लाते और थोड़ी देर से बैठ जाते चुपचाप। ये देखो अभी खुद से अंदर आ गई, कुछ दाना वगैरह कुछ बाहर खाई नहीं, कुछ आई नहीं बाहर, और खुद ही से अंदर चल गई यार। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। दोस्तों हमने ना ये पिंजरे को बहुत ही अच्छे से इधर फिट कर दिए है दीवार में, बहुत अच्छे से फिट हो गया ये। और इनको है ना बिल्ली भी आने का डर नहीं है, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर जब फिट था ना तो बिल्ली वहाँ से नीचे उतर रही थी, और अब है ना इसको बहुत ही ज़्यादा इधर दूर ले लिए पिंजरे को, तो अब बिल्ली वगैरह आने का कुछ डर भी नहीं है, और ये बेचारे अच्छे से रह रहे। और इनको ना दोस्तों रात में कपड़ा ढाँपना पड़ता है, क्यों तो इनको सर्दी बहुत हो रही है ना। इतना ज़्यादा डर गई है उन वो दो खरगोश को देख के, उनको ना बिल्ली समझ रही है, इतना ज़्यादा डर गई है, उसका डर अभी तक नहीं गया। अरे भाई चुप बैठ जा, चुप हो जा यार, चुप हो जा। दोस्तों पता नहीं है कब चुप बैठेंगे यार, मुझे तो उनकी आवाज़ अच्छी नहीं दिखती। दोस्तों सारे बच्चे ना मुर्गी के साथ घूम रहे हैं। अरे भाई माशाल्लाह कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं यहाँ से तो। ओ भाई दोस्तों उनको ना अभी से दाना चुनना भी आ गया, और ये तो बहुत ही कम उम्र के, मतलब उनके 3 या 2 या 3 दिन ही छोड़े हैं उनको अभी अंडे में से निकल के। दोस्तों इसमें का जो गंजा वाला बच्चा है ना, इतना प्यारा और इतना खूबसूरत है वो, उसको मैं बताने आपको बताऊंगा, लेकिन है ना मुझे बहुत बुरा काट रही है मुर्गी, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। मुर्गी ना बहुत ही ज़्यादा डर गई उनसे, तो मैं ऐसा करता हूँ मुर्गी को बच्चों के साथ घर पे ले जाके छोड़ देता हूँ, और है ना उसको यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं रहेंगी, बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगी। वो ऐसे समझ रही है कि वो खरगोश उस पर हमला करेंगे, लेकिन खरगोश उस पर हमला नहीं करेंगे, तो उसको मैं ले जाता हूँ और ना घर पे रख के आ जाता हूँ। दोस्तों मुर्गी को ना बाहर ले जाने की, घर पे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, माशाल्लाह वो खुद ही चुप बैठ गई है यहाँ पर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि खरगोश को है ना वहाँ पर ऐसा एक सेपरेट रूम में उनको है ना कोंड देना पड़ेगा, क्यों तो खरगोश इधर ये बड़े पिंजरे में इधर आ रहे, तो मुर्गी उनसे बहुत ही ज़्यादा डर रही है। और मुर्गी का खाना भी यहाँ पर ही है,
दोस्तों मैं ना अभी क्या करता हूँ, अपने ना तो कबूतर का जो पुराना वाला बच्चा है माशाल्लाह बहुत ही बड़ा हो गया है, तो उसको अब मैं उड़ाकर देखता हूँ, एक बार देखता हूँ कैसा उड़ता है। उसको तो मैं देख लिया, वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये रही वो प्यारी सी पट्ठा मादी। अरे भाई उड़ जा, अरे क्या बात है माशाल्लाह, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा भाई, क्या बात है यार, क्या बात है। दोस्तों ये तो यहाँ के यहाँ ही उड़ रही है, इसको मैं एक बार पकड़ के दूसरी तरफ उड़ाता हूँ। जा भाई जा जा जा, अरे यार अरे ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, बाहर जाओ, उड़ के आओ यार। शायद दोस्तों अभी इसका मूड नहीं है इसलिए ये उड़ ही नहीं रही है पट्ठन मादी। उसको ना मैं अभी थोड़ी देर से उड़ाकर देखता हूँ कितना दूर दूर जाती है और कितनी देर के बाद आती है। तो मैं ना उसको जब उड़ाता हूँ ना तो उधर मस्जिद के कोने पर जाकर बैठ जाती है, तो अभी मैं उसको उड़ाऊँगा ना, देखूँगा कहाँ जाकर बैठती है और वापस आती है या नहीं। तो ये दोनों भी इधर आ गए, शायद इसको उसके बच्चे को खाना खिलाना है। जा जा भाई जा यार, उसको खाना खिला दे, वो भी भूखा होगा बेचारा। जा जा यार, अरे खाना खिला के आ जा यार। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से अच्छे से हाथ में आ जाती। दोस्तों ये देखो उसकी माँ उसको दाना खिलाने के लिए आ गई है, और कितना प्यारा बच्चा है यार माशाल्लाह, उसको दाना खिला रही है। ओ भाई कितना प्यारा दिखता है यार माशाल्लाह, वाइट वाइट। अरे भाई इसको और लग रहा है, आ जा भाई बाहर आ जा भाई, देखो बाहर आ जा यार, तू बाहर जा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।